नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी माइनॉरिटी वी। बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि आज मेरी त्रिपुरा में अगरतला की इस मीटिंग के अंदर मेरा यह आना हुआ और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वास्तविक अर्थ में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की जो विकास की नीति है पूरे देश भर में सभी प्रदेशों में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये त्रिपुरा प्रदेश में भी यहाँ सभी वर्ग सभी समाज के लोगों का ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अमित शाह जी और यहाँ के संगठन जो प्रमुख हैं हमारे उनकी नेतागिरी के अंदर सभी वर्ग के समाज लोगों का बहुत अच्छा विकास हुआ है। जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, यहाँ पे वक्फ के अंदर पहले जो CPM वगैरह की सरकारें थी सिर्फ यहाँ 35 लाख का जो बजट हुआ करता था वो बढ़ा के जो BJP की सरकार में 60 लाख हुआ है। इससे पहले यहाँ अगरतला में हज एम्बार्केशन पॉइंट नहीं होता था, ये BJP की सरकार के बाद यहाँ पे हज एम्बार्केशन पॉइंट भी यहाँ आ गया है। और जो गवर्नमेंट में जो नौकरी मिलना चाहिए, रोजगारी मिलना चाहिए, वो 0.95% था, वो अभी बढ़कर 7% हो गया है। और जो गरीब है जो वंचित है वो सभी का विकास हो रहा है। मोदी जी की अध्यक्षता में पूरे देश की अगर बात करें तो 9 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन पूरे देश भर में गैस बोटल्स दिए मिले हैं। वहाँ पे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उसमें से 3.25 करोड़ जो है गैस बोटल्स मिले हैं। इसके आगे चले किसान मुद्रा योजना, किसानों को जो फार्मर्स को जो सहाय मिली है उसमें 12 करोड़ लोगों को देश भर में किसान निधि की सहाय मिली है। इसमें 3.96 करोड़ यानी 3.96 लाख जो लाभार्थी है वो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। शौचालय की बात है कि शौचालयों का निर्माण हुआ, 13 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, उसमें 2.86 करोड़ जो है वो माइनॉरिटी समाज के लोगों को मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में रोजगारी के अंदर कारोबार के लिए जो सहाय धीरान सहाय दी गई उसमें 35 करोड़ लोगों को देश भर में लाभ मिला है। उसमें माइनॉरिटी समाज के लोगों को उसमें भी 35% लोगों ने उसका लाभ लिया है। यहाँ तक कि आज पहले ये तकलीफ होती थी कि कोई हार्ट अटैक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो हॉस्पिटल में उसका खर्च करना मुश्किल हो जाता था। अभी आयुष्मान योजना में जहाँ 2 करोड़ लोगों का हेल्थ बेनिफिट मिला है उसमें 25% जो है वो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। इससे आगे आप चलो तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास के अंदर लोगों के घर बनाए गए, 2 करोड़ लोगों के घर मोदी सरकार ने देश भर में बनाए, उसमें 42 लाख जो है वो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास में जहां गरीबों की बात आती है, वंचितों की बात आती है, पीड़ितों की बात आती है, उसमें किसी में भेदभाव नहीं करती, सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है बल्कि मंत्र है। और इसी पे सर्वे भवन्तु सुखी नः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे भारतीय संस्कृति का जो प्रतीक है उसको वास्तविक अर्थ में यहाँ की त्रिपुरा की गवर्नमेंट भी चरितार्थ कर रही है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई है। आज यहाँ पे हमारे साथ हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट शाह आलम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हज कमेटी के जो प्रेसिडेंट है जसीम साहब वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में संगठन में भी वो सेक्रेटरी है। पूरी टीम जो है वो मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, मैं एयरपोर्ट से आया तो पूरा देख रहा था जिस तरीके से रास्ते और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आगे यहाँ त्रिपुरा में डेवलपमेंट हो रहा है, मोदी साहब के विजन में त्रिपुरा आगे भी ये अगरतला स्मार्ट सिटी बनेगा और ये एक अच्छा बेहतरीन स्टेट बनेगा। आप सब मीडिया के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में आए, मैं मीडिया के लोगों का भी बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। अभी त्रिपुरा में आने का आपका मकसद क्या? त्रिपुरा में आज हमारा माइनॉरिटी मोर्चा का मीटिंग भी था और साथ में हमारे जो मिनिस्टर है मिनिस्टर से भी हमारी मीटिंग थी। उसमें हमारी कुछ बातें ऐसी है कि वक्फ के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है कि CPM सरकार के टाइम में 700+ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो वक्फ में रजिस्टर होने से रह गई, तो वो काम मतलब आगे बढ़ रहा है, जो BJP सरकार जो यहाँ की है वो आगे बढ़ा रही है और वो 700+ जो प्रॉपर्टीज़ जो है जो वक्फ की है वो अभी रजिस्टर नहीं हुई है उसको रजिस्टर करने का काम है। और भी माइनॉरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो हमने आज मिनिस्टर साहब से भी शुक्ला साहब से भी मुलाकात की और उनके बात की और आज हमारा ये यहाँ पे जो प्रदेश ऑफिस है वहाँ पे हमारे संगठन की मीटिंग है, उसको कैसे हम ग्राउंड लेवल पे बूथ लेवल पर स्ट्रॉन्ग करें
और पेज प्रमुख भी हम बनाए, आगे संगठन को स्ट्रॉन्गराइज करें। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ संगठन।